वज्रेश्वरी के निकट दीपावली के दिन महाअनुष्ठान होने जा रहा है, जिसमें अष्टलक्ष्मी व भगवान कुबेर के साथ माता तारा व अघोर लक्ष्मी का विशेष पूजन संपन्न कराया जाएगा। इनकी पूजा अगर दिवाली के दिन की जाए तो 100 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। इसकी वजह से सभी तरह की आर्थिक अड़चनें दूर होकर धन वृद्धि के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। नौकरी, व्यापार, दुकान धंधे में तरक्की के साथ विवाद क्लेश नष्ट होकर पारिवारिक शांति मिलनी शुरू हो जाती है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर आप साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर फॉर्म भरकर आप इस पूजन में शामिल हो सकते हैं। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा 80J के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम धनतेरस के दिन विशेष प्रकार के प्रयोग की बात करेंगे। कहने का मतलब है, दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने जीवन में तरक्की नहीं चाहता, अपने पारिवारिक सुख को नहीं बढ़ाना चाहता, अपने आर्थिक समस्याओं से मुक्ति नहीं पाना चाहता, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा? हर व्यक्ति यही चाहते हैं, उसके लिए वो प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन कुछ खास मुहूर्त होते हैं, उस मुहूर्त में अगर वो कुछ खास प्रयोग कर लें तो बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो आज प्रयोग हम लोग बताने जा रहे हैं, धनतेरस के दिन जो विशेष प्रयोग होता है, जो तांबे के सिक्के पर होता है। तांबे का सिक्का हो अच्छी बात है, अगर आपके पास तांबे का सिक्का नहीं है तो तांबे की कोई भी धातु हो सकती है, तांबे का कोई भी धातु हो सकता है, मतलब तांबे का कोई भी चीज हो सकता है, चाहे सिक्का हो, तांबे का टुकड़ा हो और या कुछ भी हो। तो तांबे का कोई टुकड़ा ले लें, कोई छोटी सी प्लेट होती है वो भी चलता है, तांबे के यंत्र होते हैं वो भी चलते हैं। तो कहने का मतलब कोई भी तांबे का टुकड़ा होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी वायर होता है उसमें भी तांबा होता है, तो वायर का ऊपर का प्लास्टिक का निकाल दें तो अंदर का तांबा निकल आएगा, तो उस तांबे को भी अपने पास रखें तो भी चलेगा। कहने का मतलब तांबे का कोई टुकड़ा होना चाहिए, इसको अपने सामने रखते हैं। अब करते क्या है, ये जो चीजें होती हैं, एक होता है तरक्की, जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव चलता रहता है, कहने का मतलब है सुख दुख सुख, इस तरीके से जीवन चलता रहता है मनुष्य का। तो अगर उसमें दुखों का मात्रा बढ़ जाए, सुख दुख तो सबको आएगा, हम आप इससे बच नहीं सकते, लेकिन अगर 90% दुख हो और 10% सुख हो तो पूरा जीवन कहते हैं ना कि खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो दुख जरूर हो, दुख होते भी हैं, इससे बच भी नहीं सकते, लेकिन सुख का पलड़ा थोड़ा सा भारी तो हो। और ये जो होता है आपकी सोच की वजह से, ये जो मन है ये दुखों का कारक माना जाता है। आप कैसे सोचते हैं इसके हिसाब से सुख और दुख मिलता है। तो आज का जो प्रयोग है वो ये आपके मन को बहुत पॉजिटिव करता है, बहुत मजबूत करता है। छोटी मोटी विघ्न, छोटी मोटी अड़चने, छोटी मोटी समस्याएं, छोटे मोटे विवाद क्लेश, इसको आपका मन अपने अंदर लेता ही नहीं, इसको यहां से देख सुनता है, यहां से निकाल देता है, अपने अंतर मन में लेता ही नहीं, जिससे कोई समस्या ही नहीं होती। और इसकी वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र में बिना अटके आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये जो प्रयोग है आपके मन मस्तिष्क को मजबूत करता है, इससे आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती है, और साधना के पक्ष में, अपने धन प्राप्ति के पक्ष में, जीवन के पथ पर बिना अटके आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। और यही कारण है कि ऐसे लोग धन प्राप्ति की दिशा में बहुत तरक्की कर लेते हैं, ऐसे ही लोग। इसलिए ये खास प्रकार का प्रयोग है, इसलिए इसे कहा जाता है। जो व्यक्ति ये प्रयोग करता है धन पाने की दिशा में, धन के स्रोत को बढ़ाने की दिशा में, वो बहुत आगे रहते हैं। तो आज का प्रयोग हम कैसे करें, याद रखें ये प्रयोग धनतेरस के दिन किया जाता है। अगर धनतेरस के दिन नहीं कर पाए तो फिर किसी भी शुक्रवार को या किसी भी गुरु पुष्य नक्षत्र को ये प्रयोग किया जाता है। लेकिन धनतेरस अपने आप में एक बड़ा मुहूर्त माना जाता है। तो आपको करना क्या है, एक तांबे का कोई भी टुकड़ा आप ले लो,
एक स्टील की प्लेट में आप उसको सामने रखो, और स्टील की प्लेट में रखने के बाद सेम तरीके से मुद्रा बनाओ। ये देखिए एनर्जी आवाहन मुद्रा कहते हैं, आप देख रहे हैं। इसको मोड़ लिया, मोड़ने के बाद इस तरीके से हाथ रखा, 10 बार आपने प्राणायाम किया, जितनी देर हो सके रोक के रखो, फिर धीरे से छोड़ो। इस तरीके से आप 10 बार प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, ओम अष्ट महालक्ष्मी क्लीम रिद्धिम देहि सिद्धिम देहि स्वाहा, ओम अष्ट महालक्ष्मी क्लीम रिद्धिम देहि सिद्धिम देहि स्वाहा, ओम अष्ट महालक्ष्मी क्लीम रिद्धिम देहि सिद्धिम देहि स्वाहा, ओम अष्ट महालक्ष्मी क्लीम रिद्धिम देहि सिद्धिम देहि स्वाहा, ओम अष्ट महालक्ष्मी क्लीम रिद्धिम देहि सिद्धिम देहि स्वाहा। मैं इस मंत्र को फिर से बोल रहा हूँ, ओम अष्ट महालक्ष्मी क्लीम रिद्धिम देहि सिद्धिम देहि स्वाहा, ओम अष्ट महालक्ष्मी क्लीम रिद्धिम देहि सिद्धिम देहि स्वाहा। बस इस मंत्र का जाप करें, ये मुद्रा आप लगाइए, ये मुद्रा लगाकर ये मंत्र का जाप करना है। इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है। 35 साल के ऊपर वाले 10 मिनट तक इस मंत्र का जाप करें, 35 साल के नीचे वाले 15-20 मिनट तक मंत्र का जाप कर सकते हैं। बस ये करें और अनुभव देखें। ये मंत्र का जाप करने के बाद फिर किसी को फल या भोजन का आप दान कर दो, और जो तांबे का सिक्का है या तांबे का जो वस्तु है, इसको अपने तिजोरी में या अपने गले में किसी भी जगह पर एक कागज में लपेट कर रख दो, बस तांबे का टुकड़ा। बहुत बहुत फायदा होता है। याद रखें, तांबा एक सेंसिटिव धातु है, इसलिए तांबे पर यंत्र बनाए जाते हैं। सबसे ज्यादा सेंसिटिव भोजपत्र माना जाता है, उसके बाद तांबा माना जाता है। तो ये जो सेंसिटिव होता है, ये आपकी भावनाओं को, आपकी ऊर्जा को कैच कर लेता है, और जिस जगह पर ये रखा जाता है वहां पर प्राण शक्ति को पूरी तरीके से फैला देता है, वहां की नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरीके से निकाल देता है। तो ये जो प्रयोग है, आपको बहुत 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 फायदा मिलता है ऐसे। तो इसको आप अपनी तिजोरी में रखें, इसको आप अपने गले में एक छोटा सा टुकड़ा खाली रख दीजिए। याद रखें कि इसको जब रखते हैं किसी कागज में या कपड़े में, छोटे से कपड़े में लपेट कर रखें, इसको किसी लकड़ी के ऊपर ऐसे नहीं रखें, या किसी लोहे की अलमारी है तो कोई तिजोरी है लोहे तो उसके ऊपर ऐसे नहीं रखें, नीचे कपड़ा होना चाहिए उसके ऊपर रखें, बस रख दें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सपोर्ट करता है, बेहिसाब सपोर्ट करता है, और ये सिर्फ सपोर्ट नहीं करता, ये आपको सुरक्षा भी देता है। क्योंकि धनतेरस जो होता है ये बहुत काम में माना जाता है, यम का दिन माना जाता है, यमराज का दिन माना जाता है, ये आपको सुरक्षा भी देता है। तो ये प्रयोग रिद्धि सिद्धि मिलती है, आपके अंदर का भय दूर होता है, और हर तरीके से आपको लाभ मिलता है। तो ये प्रयोग करने वाला व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि ये लोग अपने जीवन में आम लोगों की तुलना में जल्दी तरक्की करते हैं। उनका जो तरक्की पर जाने का परसेंटेज होता है बहुत ज्यादा होता है, बहुत तीव्र होता है। लेकिन धनतेरस को ये प्रयोग किया जाता है। धनतेरस को आप नहीं कर पाए तो किसी गुरु प्रशंसित्र या किसी भी शुक्रवार के दिन सूरज अस्त होने के बाद ये प्रयोग करें। लेकिन धनतेरस का मुहूर्त सबसे बड़ा माना जाता है। आशा है ये इसका उपयोग करेंगे, और जब लाभ मिलेगा तो लोगों का आप बिना स्वार्थ के मदद करें। धन्यवाद।